बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन पर जंग का ऐलान कर दिया है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना को यूक्रेन पर हमले का आदेश दे दिया है। पुतिन ने यूक्रेन की सेना को हथियार डालने को भी कहा है। अल्टीमेटम रूस की तरफ से दिया गया है। रूस ने यह भी कहा है कि यूक्रेन विवाद में अगर कोई दूसरा देश दखल देगा तो उसे इसका खतरनाक नतीजा भुगतना पड़ेगा। और इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई की घोषणा कर दी है और ये पूरी जानकारी लगातार सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज के माध्यम से मिलती रहेगी। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय वॉर जोन में लगातार मौजूद है। साथ ही इसके पहले पुतिन ने क्या क्या कहा है वो भी आपको हम बता रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन का कोई साथ देगा तो उसको नतीजा भुगतना पड़ेगा, खतरनाक ये नतीजे भुगतने पड़ेंगे, ये पुतिन ने कह दिया है। तो रूसी हमले के क्या रास्ते हैं वो भी आपको हम बता रहे हैं। देखिए कहां कहां से एंट्री रूस कर रहा है हमलों के लिए, क्रीमिया से, बेलारूस की बॉर्डर से, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही दो स्वतंत्र देश की घोषणा कुछ दिन पहले ही रूस ने की, पुतिन ने दस्तखत कर ऐलान किया, डोनियास्क और लुहांस्क, इनके माध्यम से भी यूक्रेन पर हमला करने की जो कोशिश है अब वो हो रही है। तो बेलारूस, क्रीमिया, साथ ही डोनियास्क और लुहांस्क, ये ऐसे बॉर्डर्स हैं, ऐसे एरियाज हैं जिसके सहायता से, जिसके माध्यम से रूस हमला कर रहा है। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही ये खबर आई कि राजधानी कीव में भी धमाके हुए हैं। अब ये हवाई हमले हुए हैं या फिर किसी और माध्यम से हमले हो रहे हैं, ये अभी पुख्ता तौर पर जानकारी मिलना बाकी है। कर्नल दादमीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उनसे जानेंगे अभी क्या हालात हैं और साथ ही आगे क्या अनुमान लगाया जा सकता है इसके बारे में भी उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही फिरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय छात्र हैं। फिरोज, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी क्या हालात हैं, आपको क्या नजर आया? मैम, अभी मैं कुछ देर पहले उठा तो मैंने न्यूज पढ़ा कि मैम पुतिन ने जो है वॉर का अनाउंसमेंट कर दिया है। अभी कुछ देर पहले मेरे कलीग्स बाहर थे, कॉफी वगैरह पे पीने गए थे, तो उन्होंने भी एक्सप्लोजन सुना। अब मैम ओडेसा में एक्सप्लोजन हो रहा है या नहीं हो रहा है क्लियरली कह तो नहीं सकते, बट डोनेस्क साइड में एक्सप्लोजन क्लियरली हो रहा है, ये न्यूज में पढ़ा हमने अभी थोड़ी देर पहले। और फिरोज, किसी प्रकार की कोई पाबंदियां अभी तक लगाई गई हैं आसपास के आपके एरिया में, अगर आप जान पा रहे हैं, कोई जानकारी आपको मिल रही है या फिर बाहर जाने से किसी प्रकार से कोई प्रतिबंध लगाया जा रहा है, अभी तक कोई सूचना ऐसी आपके पास? मैम स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है मैम नाइट टाइम पे, मैम अराउंड 12 AM। ठीक फिरोज, आप हमारे साथ बने रहिए, कर्नल दानवीर भी हमारे साथ जी। फिरोज अपनी बात पूरी करें आप। मैं कह रहा हूँ कि आर्म फोर्स भी बाहर चल रहे हैं रेगुलरली, क्योंकि इमरजेंसी की वजह से जो है यहाँ पे हो सकता हो होपफुली जो है मार्शल लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक फिरोज, आप हमारे साथ बने रहिए, कर्नल दानवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल, सबसे पहले आपसे सर मैं जानना चाहूंगी हालातों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब एक बड़ा टेंशन है और युद्ध का आगाज एक तरीके से हो चुका है, इसका असर, इसकी आग दूसरे देशों को भी झेलनी पड़ सकती है, फिलहाल इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पुतिन ने जो धमकी दी है कि बाकी मुल्क अगर कोई डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये बेसिकली उन्होंने नेटो को धमकी दी है। और नेटो के अंदर भी यूनाइटेड किंगडम्स ने यह ऐलान किया था कि वो हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को करेगा और नॉन लीथल एड देगा। ये दो चीजों का ऐलान यूके ने अभी कुछ ही देर पहले किया है, तो उसी के मद्देनजर इस तरीके की धमकी दी गई है कि आप इस झगड़े में पछड़े में ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपको पूरी तरह खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो अल्टीमेटम दे ही दिया है। सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। वॉर जोन से सीधे हमारे सहयोगी यूक्रेन से प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ताजा अपडेट्स हम ले लेते हैं, क्योंकि अलग अलग शहरों से भी यूक्रेन में धमाकों की आवाज आ रही है। प्रणय, अभी क्या ताजा अपडेट्स है?
प्रणय एक बार फिर प्रणय से जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। यूक्रेन में इस वक्त प्रणय मौजूद है और हर पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि धमकी यहां पर दे दी है पुतिन ने, कहा है कि अगर यूक्रेन का साथ कोई देश देता है तो उसको भी खतरनाक नतीजा झेलना पड़ेगा। पुतिन ये पहले ही कह चुके हैं। फिरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय छात्र हैं और इस वक्त यूक्रेन में ही मौजूद हैं। फिरोज, किसी प्रकार का कोई डर या ऐसी कोई चाहत कि अब वापस भारत आना चाहिए, यहां पर अब खतरा ज्यादा बढ़ चुका है, अब सेफ नहीं है आप वहां पर? यस मैम, जी 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 मैम, एक्चुअल में मैंने कल जो है अपनी टिकट भी करा ली है मैम, बट वो जो है मैंने मार्च में कराई क्योंकि फेयर जो है बिल्कुल सस्ते नहीं थे, तो मजबूरन हमें मार्च में फ्लाइट बुक करनी पड़ी 8 मार्च को। मैम आज ही नाइट का टाइम मैंने एक न्यूज पढ़ा कि यूक्रेन ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है अभी टेम्परली, तो मैम ये भी जो है खतरा है मैम, मतलब जो अभी 2-3 दिनों के अंदर जो बच्चे जाने वाले थे उनके लिए भी हो सकता है फ्लाइट सस्पेंड हो जाए, तो मैम अभी खतरा जो है एक्चुअली बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी जो है लोगों के बीच दिख रही है। बहुत इनिशियल स्टेज है लेकिन आगे खतरा और बढ़ सकता है, ऐसे में जो भारतीय छात्र यूक्रेन में इस वक्त मौजूद हैं उनमें भी एक डर है। प्रणय एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, अभी क्या ताजा अपडेट्स हैं क्योंकि अलग अलग शहरों से धमाकों की आवाज आ रही है? जी जी बताएं जी, आप क्या ताजा अपडेट्स प्रणय? जी फिलहाल इस समय यहाँ पर तनाव का माहौल है, हालांकि कीव में लगातार धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। धमाके किस जगह से हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, इस बारे में कोई आधिकारिक बयान फिलहाल यूक्रेन सरकार की तरफ से नहीं आया है। वाहनों की आवाजाही भी बेहद इक्का दुक्का है यहाँ पर, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से यूक्रेन के ऊपर कार्रवाई का ऐलान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है, उसके बाद निश्चित रूप से जिन लोगों से भी हमने बात की, लोग फिलहाल बातचीत के लिए ज्यादा तैयार नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जल्द अपने घरों में पहुंचना चाहते हैं। और इस जगह पर, जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये जो हार्ट ऑफ द सिटी है कीव का, उससे महज चंद कदम के फासले पर है जो मैदान स्क्वायर है, जहां से और सेंसेक्स 1400 अंकों के गिरावट के साथ खुला है, 1400 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ खुला है सेंसेक्स। बाजार में पिछले दिनों भी काफी गिरावट देखने को मिली थी और एक बार फिर जब ये जंग का ऐलान हुआ उसके बाद एक बार फिर सेंसेक्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले दिनों भी जब हालात तनावपूर्ण बने हुए थे क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर लगातार विवाद बढ़ता गया और ऐसे में अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पुतिन ने सैन्य ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है और आज जब मार्केट खुला तो वो 1480 अंकों की गिरावट के साथ। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। फिरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे अभी क्या हालात है। साथ ही प्रणय वॉर जोन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।